लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई। आज सप्तमी का दिन है और सप्तमी के दिन जब माँ दुर्गा के पट खुल गए हैं, पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने मंत्री विजय चौधरी के साथ, सहयोगियों के साथ पूजा पंडालों में पहुंचे हैं और माँ भगवती की आराधना की है, पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो है वो डाक बंगला चौराहे की है, पटना का डाक बंगला चौराहा, जहां पर माँ भगवती के पट खुले हैं आज दोपहर में ही। और उसके बाद फिर नज़ारा जो है काफ़ी अद्भुत था, काफ़ी अलग था, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें तमाम आप देख रहे होंगे कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं पंडालों में, पूजा अर्चना की है। और नीतीश कुमार सभी धर्मों के प्रति उनकी आस्था रही है, चाहे वो ईद का त्यौहार हो या फिर गुरु नानक जयंती हो, सभी जगह वो जाते हैं। और दशहरा के त्यौहार पर, इस नवरात्रि के त्यौहार पर भी उनकी अलग ये आस्था दिख रही है। नीतीश कुमार कई पूजा पंडालों में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खासपुरा की ओर भी गए हैं, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की है और माँ भगवती से बिहार के लिए शांति, सुख, अमन चैन की कामना की है। बिहार के लोग की समृद्धि हो, बिहार के लोग खूब आगे बढ़े, ये उन्होंने कामना की है। तो नीतीश कुमार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी हैं, जेडीयू के मंत्री संजय गांधी भी उनके साथ मौजूद थे, जेडीयू नेता छोटू सिंह उनके साथ मौजूद थे। इन तमाम लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने माँ भगवती की पूजा अर्चना की है, श्रद्धा में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए नीतीश कुमार, और सभी धर्मों के प्रति सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी एक अलग छवि है, अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं, देखना होगा। नीतीश कुमार ने तो खूब प्रयास किया है सभी गैर भाजपाई दलों को एकजुट करके, इंडिया गठबंधन बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन अब उसके बाद क्या होता है नहीं होता है उसका हम फिलहाल जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जब नवरात्रि का त्यौहार है तो एक अलग तस्वीर, एक अलग छवि, एक अलग झलक दिख रही है पटना की सड़कों पर। कई तरह के LED लाइट्स के माध्यम से बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, कई जगह पे इको फ्रेंडली पंडाल बनाए गए हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे का भी पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और एक आकर्षण का केंद्र है। लोग दूर दूर से पटना के डाक बंगला चौराहा आते हैं घूमने, जब वो पटना आते हैं घूमने तो डाक बंगला चौराहा जरूर जाते हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। नीतीश कुमार ने खूब श्रद्धा भाव से भक्ति में डूब कर पूजा अर्चना की है, उनका खूब भव्य स्वागत भी किया गया है, उन्हें चुनरी भी दी गई है, प्रसाद भी दिया गया है। आपने तमाम तस्वीरें देखी है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।